देखो बेटा, ये भी सवाल एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन का ही पार्ट कहलाएगा। इसमें भी लगभग वैसे ही है जैसा कि आप पिछले सवाल में देख चुके थे। बिल्कुल वैसे ही इसमें भी है। आपने देखा कि साहब, जो हमारी लेंथ है वो तीन बातों पे डिपेंड कर रही है। एक प्लैंक कांस्टेंट एच, स्पीड ऑफ लाइट सी, और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या करना था आपको? इसको ए मान लेना था, इसको बी मान लेना था, इसको सी मान लेना था। बस ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी, काम बन जाता। हमने कहा था बेटा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के रख लो आइंस्टीन इक्वेशन से, इक्वल टू एच न्यू। और आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टी होता है। इसलिए प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना बहुत आसान हो गया, ई इंटू टी हो गया। और मैंने कहा था बेटा, इसको रट लो। आज ही हमने लाइव क्लासेस लिए बेटा इसकी, वो भी देख लीजिएगा। ये हो गया टी एम ए राइट, यानी प्लैंक कांस्टेंट हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। याद रहेगा? तो प्लैंक कांस्टेंट हो गया एम एल स्क्वायर माइनस वन। बड़ा परेशान कर रहे हैं पड़ोसी, कुछ ना कुछ कराते ही रहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट मैंने कहा था बेटा, इतना तो याद ही कर लो, एल टी माइनस वन। लाइव क्लासेस जरूर देखिएगा, उसमें विस्तार पूर्वक बात करते हैं। अब बात करते हैं जी की। जी को भी निकालना आसान है, यहां निकाल के दिखा दें भाई। आप जानते हैं कि न्यूटन ने कहा था दो मासेस आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, इसलिए जी निकालना बहुत आसान हो गया, यानी एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। कई बार निकाल चुका हूँ, आपको याद कर लीजिएगा। खूब प्रैक्टिस। फोर्स की ऐसे याद हो गई मास इंटू एक्सेलेरेशन, लेंथ की हो गई और ये मास का स्क्वायर हो गई। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, यहाँ दो है, यहाँ चला जाएगा, एक हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट सवाल लगा रहा हूँ और पड़ोसी हमारे जो है ग्रिल कराए पड़े हैं। एल क्यू टी माइनस टू, बस काम बन गया बेटा। आप देखो, यहां केवल लेंथ है तो मास तो है नहीं, जब नहीं है तो जीरो कर दो। लेंथ है, जब कोई पावर नहीं लगी तो वन लगा दो। टाइम है, नहीं है, सब लेंथ है तो टी की जीरो कर दो, क्योंकि किसी की पावर जीरो कर दोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी? वन के। काम खत्म। आपको अब इकट्ठा कर लो बेटा, एम इकट्ठा करो ए, और यहां पे हो गया आपका सी, तो माइनस सी हो गया। एल की इकट्ठा करो पावर्स, माइनस टू ए प्लस बी एम ए राइट, सी भी है भाई, थ्री टाइम ऑफ सी। टी की इकट्ठा कर लो बेटा, यहां से माइनस ए मिलेगा, यहां से माइनस बी मिलेगा, तो माइनस टू सी मिल जाएगा। बस काम बन गया बेटा आपका। हाफ हाफ ऑफ द बैटरी यू वन। कंपेयर कर लीजिए, ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी थ्री सी बराबर वन के। और तीसरी इक्वेशन आपकी टाइम से इक्वेट कर लीजिए। यहां पे क्या शिक्षा दी थी कि देखो बेटा, जो पहली क्वेश्चन है तुम्हारी ए माइनस सी, तो इन दोनों से ए माइनस सी लाना है, यानी बी गायब करना है, तो बड़े आराम से बी गायब हो जाएगा। देखो, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का कुछ मत कीजिए, जोड़ दीजिए। तो अगले पन्ने पे चलते हैं, और आपने कहा सर टू ए प्लस बी, रबड़ नहीं है इसलिए देख लूं, प्लस थ्री सी, गलती के चांस नहीं रहते हमारे पास, प्लस थ्री सी, ये भी अच्छी बात है, मिस्टर परफेक्ट बनिए। माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी, माइनस ए माइनस बी और माइनस टू सी, ओहो इज इक्वल टू जीरो। घटा लीजिए, घटा नहीं जोड़ लीजिए दोनों को, दो में से क्या एक, ये एक हुआ। पहली क्या मिली थी, ए माइनस सी बराबर जीरो, ए माइनस सी बराबर जीरो। अब तो दो वैल्यू मिल गई फटाफट, टू ए बराबर वन, ए बराबर एक बटे दो, इसी से निकाल लो, सी इधर ले जाओ, सी बराबर ए यानी एक बटे दो।
अब बेटा क्या बचा, बी की बात बची, बी किसी से निकाल लो, इस इक्वेशन से निकाल रहे तो आप कहेंगे कि गलत भाई, इस वाली इक्वेशन से निकाल लो, 2a+b+3c=1। ए कितना निकला था, 1/2 निकला था, बी निकालना है सी 1/2, इसको इसको काट लीजिए तो b बराबर क्या हो गया, ये है 1, इधर ले आइए -1, ये ले आइए 3/2, यानी b बराबर -3/2, बस काम बन गया। लेंथ इज इक्वल टू क्या था बेटा, एच सी जी, एच था सी था जी था, a कितना है 1/2, b कितना 3/2, c कितना 1/2। तो आपने कहा सर 1/2, 1/2 ऊपर आ गया, नीचे ले आइए सी इज इक्वल टू, इधर निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, किस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया, तो 1/2 तो आपका सारा अंडर रूट में चला जाएगा, तो एच जी और नीचे मिलेगा सी क्यू, है कोई ऐसा एच जी अपॉन सी क्यू, एच जी अपॉन सी क्यू का रूट ये, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन।